हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों से हमारे ऑनलाइन लेक्चर नहीं हुए हैं और काफ़ी दिनों से हमने वीडियो लेक्चर्स भी नहीं बनाए थे। ऑफलाइन मोड पे कुछ लेक्चर्स ले रहे थे, उसी को रिकॉर्ड करके सभी बच्चों में वो लेक्चर्स को शेयर कर रहे थे। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज संडे था और मेरे पास काफ़ी टाइम था आज आप लोगों के लिए कुछ डिस्कशंस करने के लिए, आप लोगों के साथ कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने के लिए मेरे पास आज वक्त था, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाना ज़रूरी समझा हूँ। और आज के वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो इस टॉपिक पे होगा कि हम स्टडी नीट के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। अभी जो राइट नाउ जो 12th क्लास में है, जिनका 2 मई को या फिर इनकेस अगर डेट बढ़ जाती है तो कुछ दिन बाद जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उन बच्चों ने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, उनके लिए भी मैं कुछ यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। आपके हिसाब से, आपके बेसिक शेड्यूल के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। और जो बच्चे अभी 11th क्लास में गए हैं, जिनके पास अभी 2 साल का टाइम है नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, तो ऐसे बच्चों ने अभी से क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्या पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए, वो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन में लाऊंगा। तो पहली बात तो हम 12th से रिलेटेड बच्चों के लिए करते हैं कि जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज उन्होंने लेना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास जो टॉपिक है, टोटल जो टॉपिक है बायोलॉजी में 38 टॉपिक है, और इन 38 टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमारे पास वन एंड ओनली जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो हर बच्चे ने एनसीईआरटी के कंटेंट को छोड़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वहाँ पर पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक भी लाइन है तो उसको ईजी नहीं लेना है, कोई भी लाइन हो, सिंपल से सिंपल पॉइंट भी होता है तो उसे इजी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा उसको वेटेज के साथ पढ़ाई करना है। और जो फार्मूला मैं हर बच्चे से हर बार जो शेयर करता हूँ यहाँ पर, मैं अभी आपके सामने वो फार्मूला शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हम जो शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नोट्स हमको एनसीईआरटी से बनाना है, और एनसीईआरटी के साथ साथ हमको क्लास नोट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग से ज्वाइन है तो उस पर्टिकुलर कोचिंग से आप बायोलॉजी के नोट्स लीजिए, जो टीचर्स आपको डेली जो लेक्चर्स डिलीवर्ड कर रहे हैं, तो बोर्ड वर्क जो होता है, बोर्ड पर जो जो पर्टिकुलर नोट्स होते हैं, तो वो डेली आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी का बुक, ये 2 कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सफिशियंट नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उस केस में आप MTG का नीट गाइड यूज़ कर सकते हो, एररलेस यूज़ कर सकते हो, और भी दूसरे प्रकाशन के बुक्स है, टारगेट प्रकाशन है, तो इसके भी कोई एक नोट्स वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मान लो आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप, तो जो MCQs आपको अप्लाइड टाइप के दिख रहे हैं, जिसके पॉइंट्स आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि NCERT के पॉइंट है लेकिन ये NCERT बेस्ड पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए और ऐसे कंटेंट के लिए आपने उसी पर्टिकुलर पेपर को अंडरलाइन करके रखना है MCQs को, या फिर MCQs के लिए, अप्लाइड MCQs के इंफॉर्मेशन के लिए आपने एक सेपरेट रजिस्टर रखना है, और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपके ओन लैंग्वेज में वहाँ पर लिखना है। तो होगा ये कि आप उस अप्लाइड पॉइंट को NCERT के बेसिक पॉइंट के साथ रिलेट करोगे, जिसको बेस बनाकर वो अप्लाइड पॉइंट पूछा गया था, और वहाँ पर आपको दो वहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई जो NCERT में नहीं दी गई थी, दूसरा ये कि NCERT को बेस बनाकर किस तरीके से वहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 95% जिसको मैं
इम्पॉर्टेंस दूंगा वो एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। बस आपका एनसीईआरटी पे कमांड आना ज़रूरी है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना ज़रूरी है, आपको याद होना ज़रूरी है और याद अंडरस्टैंडिंग के साथ होना ज़रूरी है, तो आपको अच्छे खासे मार्क बायोलॉजी में मिल ही जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए ट्वेल्थ के बच्चों ने जो करने का काम है वो ये है कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चों ने प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। मान लो आप 5 घंटे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसका एक अच्छा खासा शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। शेड्यूल कैसा बनाएंगे, मैं यहाँ पर बायोलॉजी के शेड्यूल के बारे में बात करूँगा। साइमल्टेनियसली आप इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी शेड्यूल बना सकते हैं। बेसिक पढ़ने की स्ट्रैटेजी तीनों सब्जेक्ट की थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर शेयर करूँगा और बायोलॉजी की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको भी मैं जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है या कोई क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है, आप वहाँ पर मुझे आकर भी मिल सकते हैं मेरे क्लासेस पे, इंस्टीट्यूट पे, और या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर भी दिया है, या फिर वहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट्स करके आप बोल सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा, उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो शेड्यूल बनाना है वो मान लो 5 घंटे का आपका पूरा लेक्चर का शेड्यूल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन मोड पे हो, जो भी हो आप 5 घंटे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो जो बात का टाइम है, जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बुनियादी बेसिक ज़रूरत है, उसके लिए आपने 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर साइड में निकाल के रखना है। बाकी का जो टाइम है रेदर देन स्लीपिंग, 6 घंटे की नींद सफिशियंट है, उसके बाद जो टाइम बचता है, 5 घंटे हो गए आपके लेक्चर्स के, 1 घंटा हो गया बेसिक आपकी ज़रूरत के, वो 6 घंटे और नींद 6 घंटे, 12 घंटे हो गए, बचे 12 घंटे, तो ये 12 आवर्स का जो आपका टाइम शेड्यूल है इसमें आपने 4 घंटे बायोलॉजी के लिए लेना है, 4 घंटे फिजिक्स के लिए लेना है और 4 घंटे केमिस्ट्री के लिए लेना है। 12 घंटे का आपका शेड्यूल यहाँ पर तैयार होता है। अब यहाँ पर बायोलॉजी में क्या करना है और रिविज़न किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको, आपके पास पेन और कॉपी अभी साथ होना चाहिए, जो मैं बात बता रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा उसी हिसाब से आप नोट डाउन करिए पॉइंट को, कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी के जो आपने 4 घंटे निकाले हैं उसमें आपको जो 2 घंटे है, 2 घंटे वो आपको रनिंग टॉपिक्स पे देना है और जो 2 घंटे है आपको रिविज़न के लिए देना है। रनिंग टॉपिक आपका इंस्टीट्यूट में जो भी चल रहा है उस टॉपिक को आपको डेली 2 घंटे पढ़ाई करना है, क्यों तो वहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ेंगे, जो भी शेड्यूल होगा क्लासेस का उस शेड्यूल के हिसाब से आपको टेस्ट देना पड़ेंगे, तो टेस्ट शेड्यूल को जो भी आपका होगा उसको एडजस्ट करके वहाँ पर आपने सेल्फ स्टडी करना है रनिंग टॉपिक्स की, और जो टॉपिक पहले हो चुके हैं उसका रिविज़न करना है। तो रिविज़न का शेड्यूल आपके हिसाब से बनाइए कि आपको एक टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए कितना टाइम लगता है, जितना ज़्यादा रिविज़न होगा आप लोगों का उतना आपको कम टाइम लगेगा वहाँ पर रिवाइज़ करने के लिए। तो आप मान लो पहले टॉपिक पे चल रहे थे, आपके इंस्टीट्यूट में पहला टॉपिक, मान लो आपके इंस्टीट्यूट में 5वां टॉपिक चल रहा है 5th नंबर का, मान लो 3rd यूनिट चल रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला यूनिट चल रहा है, ठीक है, और साथ में आपने पहला टॉपिक पढ़ा, तो जो पहले दो यूनिट है वो 2 यूनिट आपको 8 से 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपका रिवीजन होते होते वो रनिंग टॉपिक तक रिवीजन आ जाएगा। डेली तो आप रनिंग टॉपिक पढ़ ही रहे हो, लेकिन टॉपिक वाइज रिवीजन करते करते आप पहुंच जाओगे आपके रनिंग टॉपिक पे, फिर वापस जाना है, फिर टॉपिक वाइज स्टडी करते 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 आना है, फिर वापस जाना है, ऐसा करते करते आपको जो 6 to 8 मंथ का टाइम मिलेगा, रिवीजन आपका प्रॉपर होता रहेगा और साथ में आपका रनिंग टॉपिक भी चलता रहेगा। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, 2 घंटे आपको रनिंग टॉपिक के लिए और 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए। अब रिवीजन के कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए, तो इसके लिए वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था कि एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं है, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो
उसके कुछ नोट्स बना सकते, फर्स्ट टाइम बनाएंगे, सेकंड टाइम फिर वो नोट्स का भी रिवीजन किया जा सकता, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। और साथ में एमसीक्यूज की कोई लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटेंड करते हो, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट्स होता ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना है, और इस तरीके के बायो के कॉम्पोनेंट्स है। अब फिजिक्स का प्रॉब्लम्स का इश्यू होता है, थेरी का इश्यू होता है, तो थेरी और प्रॉब्लम उसके हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए, 4 घंटे का शेड्यूल। इसी तरीके से रनिंग टॉपिक के लिए 2 घंटे और रिवीजन के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री में भी रनिंग टॉपिक के लिए 2 घंटे, रिवीजन के लिए 2 घंटे, ऐसा शेड्यूल अगर होगा तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होकर के इंक्रीज होगा और अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट में 11th वालों की। जो बच्चे अभी 11th क्लास में है, उनका रुझान और उनका बेसिक माइंडसेट ये होता ही नहीं है कि हमको नीट के लिए अभी से प्रिपेयर करना है। ज़्यादातर हमारे बीड के बच्चों में ये रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो बच्चे 11th से उतना सीरियस नहीं होते। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर उसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमने क्या करना चाहिए इस पर मैं यहाँ पर आपसे कुछ डिस्कशन शेयर करूँगा। आपको अगर ये अच्छी लगती है, आपको ये डिस्कशन समझ में आती है, तो आप इसके हिसाब से आपको बातों को समझ सकते हैं। अगर आपको शेड्यूल में कुछ चेंज करना है तो आपके सहूलत के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया हूँ आपके हिसाब से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग में और रिवीजन के टाइमिंग में, रनिंग टॉपिक के टाइमिंग में आप लोग आपके हिसाब से वहाँ पर चेंज कर सकते हो। 11th के बच्चों ने अभी से शेड्यूल अपना बनाना चाहिए और अपनी सेल्फ स्टडी के हैबिट को डेवलप करना चाहिए। होता यह है कि एक साल निकल जाता और हम सेल्फ स्टडी को उतना ज़्यादा सीरियस ले ही नहीं पाते। हम कॉलेज में या फिर क्लासेस में जस्ट फॉर अटेंडेंस वहाँ पर जाते हैं और प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पाते। 12th में हमारे आँख खुलते हैं और 12th में हम सोचते हैं कि अब हम स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर 11th का पार्ट बहुत सारा बच्चों का वीक रह पाता है और उस वजह से फिर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से 12th का भी प्रॉपर नहीं समझता और इसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों के फाइनल रिजल्ट पे पड़ता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी 11th में बच्चे हैं उन्होंने अभी से सेल्फ स्टडी को फोकस करना चाहिए और साथ में स्टडी के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाना चाहिए, प्रॉपर कोचिंग क्लास का सिलेक्शन करना चाहिए और आगे की स्टडी को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको आपके एकेडमिक प्लान्स में और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ क्यूरीज होती है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोचिंग क्लास पर आके आप अप्रोच भी कर सकते हैं। मेड एक्सलेंस क्लासेस जो कि राष्ट्रवादी भवन के करीब में है, जिजाऊ हॉस्पिटल अतार कॉम्प्लेक्स के पास में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर 11th के ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। लिमिटेड बच्चों का ऑफलाइन लेक्चर हो रहा है, बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड मोड पे बच्चों को लिंक शेयर की जाती है और बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं। अगर आपको कुछ क्यूरीज होती है, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप बी फ्रेंकली हमसे बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स यहाँ पर फैकल्टीज अपनी कोशिशें कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं और होप आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये दूसरे बच्चों तक शेयर करिए, इसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करिए ताकि हर बच्चे का बेनिफिट हो सके और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तब आप इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।